गुरुग्राम के सेक्टर 10 कम्युनिटी सेंटर में अब ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का काम किया जाएगा। यही नहीं, लोगों को यहां शुद्ध साफ सब्जियां मिले और उसके प्रति उन्हें जानकारी हो, इसके लिए शुरुआत की पहल की गई, जिसमें खास तौर पर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। गुरुग्राम में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सेक्टर 10 से एक शुरुआत की गई है। सेक्टर 10 की कम्युनिटी सेंटर में सब्जियां उगाकर महिलाओं को खास तौर पर जागरूक किया जाएगा। यही नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कम्युनिटी सेंटर में ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं तो उन्हें ऑर्गेनिक कृषि के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही साथ जो कूड़ा कचरा घर से निकलता है उसको भी खाद बनाकर उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जिला पार्षद अश्विनी शर्मा के साथ साथ एक एनजीओ ने भी इसमें सहायता करने का प्रयत्न किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को साफ और शुद्ध सब्जियां उपलब्ध हो सके, और यही नहीं, घर या आसपास कई खाली जगह हो तो उसमें भी आसानी से सब्जियां लगाई जा सकती हैं, और यही नहीं, खाद बनने की प्रक्रिया के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर को इसलिए चुना गया क्योंकि सुबह और शाम यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए उन्हें जागरूक करना आसान हो जाएगा। फिलहाल ऑर्गेनिक खेती के लिए यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और इसे और बड़े स्तर पर भी किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर में लगाई गई इन सब्जियों के बारे में सबसे ज्यादा महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सेक्टर 10 और आसपास के सोसाइटी में जितना भी कचरा निकलता है उस कचरे को रिसाइकल किया जाएगा और इस खेती में उसे प्रयोग में लाया जाएगा, जिसके लिए भी जो प्रक्रिया तैयार की जानी है उसको एक व्यवस्थित तरीके से किया गया है। वहीं पाक के पेड़ों से निकलने वाले पत्तों को भी इकट्ठा करके खाद के रूप में तैयार किया, इसी ऑर्गेनिक खेती में प्रयोग किया जाएगा। जो आज हम तैयार कर रहे हैं उसको तैयार करने के बाद लोगों को अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि घर के अंदर भी हम ये छोटे छोटे उसमें पीट्स में अपने कंपोस्ट तैयार करेंगे, और कंपोस्ट के साथ साथ जो है ना घर में हम सब्जियां और ये वेस्ट को जितना भी कंपोस्ट बना के उसका, और अपने घर में हरे भरे फूल पौधे जितने भी ग्रीनरी हम पैदा कर सकें, मेरा मोटिव यही है कि वार्ड 23 के अंदर ग्रीनरी जितना भी हो, और वो मैं सेक्टर से ही या फिर जो जो कॉलोनियां मेरे साथ लगती हुई हैं उन कॉलोनियों के अंदर से सबको जागरूक करके इस अभियान को मैं सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मुहिम चलाई है। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि लोग इसमें बहुत जागरूक होंगे। पहले सबसे पहले अभी हम आपको दिखा रहे हैं कम्युनिटी सेंटर के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से बढ़ा के एक बार सब्जियां उगा के मैं लोगों को जागरूक करूंगा। क्या जो कूड़ा है उसको भी लोग जागरूक कर रहे हैं क्योंकि रिसाइकल करने से उसका एक खाद बन जाता है, तो दूसरा सफाई भी एक रहती है। हाँ, उससे फिर ये है कि एक तो डिपेंड नहीं रहता बंदा किसी के ऊपर, दूसरा अब घर में आप अपने कूड़े को रिसाइकलिंग कर रहे हो, उससे खाद भी बन रही है, कंपोस्ट तैयार हो जाती है, तो वो अपने नेचुरल पेड़ पौधों के अंदर जो घर के अंदर किचन गार्डनिंग किचन का है या फिर पेड़ पौधों का है, जो अपने छत के ऊपर पेड़ पौधे लगा लेते हैं या बाहर है पार्क में है, हमारे सेक्टर के अंदर से ही कूड़ा जो है वो पार्क में भी डाल सकते हैं, मतलब उसके जो कंपोस्ट तैयार होगी उस कंपोस्ट को पार्कों में यूज कर सकते हैं, घर की जो गार्डन बनाना है गार्डन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो ये मुहिम जो है अभी कम्युनिटी सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये हर घर में हो, मतलब इस तरह का मेरा ये एक विचार है और इसको मैं प्रॉपर तरीके से लागू करवाऊंगा।